ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, 63 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 68 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬੈਚ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਕਮਲ ਲੈਨ ਸਰ, ਜੈਨ ਸਰ, ਐਨ ਕੇ ਡੇ ਸਰ, ਸੁਨੇਮਨ ਚਲ ਚੈਟਰਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣਮਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਲਈ, ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮ ਫਿਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਵਿਤਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨਦੀਓ ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ ਭੈਣੋ ਮੁਹੱਬਤੋ, ਦਰਿਆਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਭਰਾਓ, ਨੀ ਕਟਾ ਕਾਲੀਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀਏ, ਨੀ ਹਵਾਏ ਮੇਰੀਏ ਮਾਏ, ਜੰਗਲ ਵੇਲਿਓ ਯਾਰ ਵੇਲਿਓ, ਉਹ ਪਹਾੜੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰੋ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦੋਤਿਓ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਓ, ਉਹ ਚੰਨ ਤਾਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜਾ ਮੇਰੀ ਊਰਜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਸੱਖਣਾ ਟੋਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਲਈ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Yeah.
kindly please forgive us if we don't give the oye boy boy madam tusi bahut short hi rakhange dignitaries on that eyes Sachin Rana ji Dr. Kairum principal hamare Pen Singh ji DS Pur Gupta ji and mere seniors बलवंत जी और बहुत सारे मल्होत्रा जी कपूर साहब सबके लिए और मेरे दूसरे आर्टिस्ट साथी आज के लिए बहुत बहुत सबको मुबारकें जोरदार तालियां। मैं आज की बात छोटे से आगाज शुरू कर दोस्तों आज मैं जब सुबह आ रहा था तो मेरे साथ मेरे टीचर पेन सिंह जी मेरे गुरु भी रहे हैं मेरे मित्र भी हैं मेरा फैमिली मेंबर भी हैं वो आज एक बात कह रहे थे कि यार मैं आज प्रिंसिपल के तौर पे नहीं फैकल्टी के तौर पे नहीं कि मैं इस इंस्टीट्यूट में मैं आज एक अच्छा लग रहा है कि मैं एक स्टूडेंट के तौर पे इस कॉलेज में जा रहा हूँ बहुत अच्छा लगा दोस्तों मैं 76 to 90 81 बैच का करिंदा हूँ जो आपके सामने हूँ ये मैडम अभी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कहा इस कॉलेज में जो जो हमें इस कॉलेज ने दिया है उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा दिया है जिसके बारे में हम बयान नहीं कर सकते हैं इस कॉलेज ने जो परफॉर्मिंग आर्ट मैंने अभी देखी ये अभी नहीं पहले भी हम करते रहे हम पहले भी ट्रॉफियां लाते रहे जो आपने फोटोग्राफ में दिखाया हमें यहाँ रेखा जी बैठी हैं एक अनीता गुप्ता होंगी ये भी एक्ट्रेस अच्छी हैं अगर बहुत सही जब स्टेज पे आती हैं तो सच में इसी तरह से आप तालियों के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा क्योंकि अंजलि ने बात कही है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे समय में बाबूराम होता था कितने लोग बाबूराम को जानते हैं अरे वाह क्या बात है बाबूराम एक ऐसी शख्सियत थी कि कॉलेज ऑफ आर्ट था और वो पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी उसकी दीवानी थी हमने एक प्रोग्राम किया था नॉनसेंस क्लब की तरफ से वी वर द पायनियर मेंबर ऑफ नॉनसेंस क्लब वी स्टार्टेड फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे कॉलेज के थे मैं भी था उसका एक मेंबर और ये बाबूराम भी था तो हमने सबसे पहला प्रोग्राम किया था इंजीनियरिंग कॉलेज में फैशन शो अपने कपड़ों को उल्टा सीधा करके बहुत बढ़िया इंजन है वहां पर इंजन के ऊपर प्रोग्राम किया था और मुझे ये यादें ये कॉलेज की यादें हैं ये कॉलेज सच में एक ऐसा बरगद का पेड़ है जैसे डीएस कपूर जी कह रहे थे जिसमें जिसकी शाखाएं इस समय पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और मेरे को याद आया कि मैं जब इंग्लैंड गया था 1998 में तो मुझे मेरे को वहां पर एक आर्टिस्ट मिला जिसके साथ मैं यहां पर माइम करता होता था माइम वो वायलिन बजाता था उसके ऊपर मैं एक्ट करता होता था वो मेरे को वहां पर मिला मिस्टर कमल धालीवाल उसके बाद मैं अमेरिका में गया हूं अमेरिका में मेरे को इसी कॉलेज के एलुमनाई वहां पर मिले कमाल की बात यह है इस समय ये कॉलेज महज एक छोटा सा चंडीगढ़ में नहीं सिमटा हुआ इस समय इसकी शाखाएं इस बरगद की शाखाएं बहुत दूर तक हैं इंशाल्लाह और दूर जाएं मैं इसके लिए प्रेरणा करता दोस्तों मैं यहां जो बैठे हैं संकुचित मन से बैठे हैं मैं उनके लिए चार लाइनें बोलूंगा मेरे दोस्त जितने जी चाहे खोल चढ़ा लो खोल होता है मास्क अरे ये कॉलेज हमें प्योरिटी देता है प्योरिटी का मतलब ये है कि हम इस कॉलेज में हमें सोचने की शक्ति दी हमें नई चीजें क्रिएट करने की शक्ति दी ये इसी कॉलेज में जब मैं आया था रॉ था लेकिन आज इसने मेरी दृष्टि खोली है आज वो चीजें मुझे दिखती हैं जो धरातल पे नहीं है मैं अपने विजुअलाइज करके उसको करता हूं दोस्तों मैं एक चीज क्योंकि
सोही साहब आपने कहा है थोड़ा सा शॉर्ट और शॉर्ट इसको करता हूँ, मेरे दोस्त जितने जी चाहे खोल चढ़ा लो, लेकिन इतना याद रखना जिस दिन एक उतर गया बाकी के सब अपने आप उतर जाएंगे। लास्ट में क्योंकि देखिए मैं कुछ मेहनत करके आया हूं, वो मैं जरूर आपको सुनाऊंगा क्योंकि ये कलाकार है, कविता मैं आपको सुनाऊंगा कुछ रंगों और कुछ लकीरों में। कुछ रंगों, देखिए अभी मेरे बड़े भाई बलवंत बीबा जी ने एक बात कही थी, यहां पर अकेला परफॉर्मिंग आर्ट नहीं, राइटिंग का भी आर्ट आ जाता है। ये कॉलेज सच में वंडरफुल कॉलेज है, इस सच मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूं मेरे को इस बात की खुशी हुई, मेरे बेटे ने यहां पर आके जब लेक्चर दिया और मैं उससे परमिशन लेके बैठा, बेटा क्या मैं तुम्हारा लेक्चर अटेंड कर सकता हूं? उसने कहा पापा कम ऑन, ये मेरे जो यहाँ की टैलेंटेड यंग फैकल्टी है, सचिन साहब मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, आप देखना एक ना एक दिन ये जो फैकल्टी आपकी है इस कॉलेज को कहां से कहां तक ऊंचाइयों में पहुंचाएगी। इसके लिए मेरी फैकल्टी के लिए, यहां के कॉलेज के लिए जोरदार तालियां। राजीव जी जरा ध्यान देना, मेरे बैचमेट हैं बलजीत जी भी। कुछ रंगों कुछ लकीरों में, अरे कुछ रंगों कुछ लकीरों में अभी सांस बाकी, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जा रहे हैं लेकिन सांस है। मैं कह रहा था एक वो दिन था जब हम आए थे सिर पे बाल थे और दाढ़ी काली थी, आज एक वो दिन है दिन में सिर पे थोड़े से बाल हैं और दाढ़ी सफेद है। तो दोस्तों लेकिन जज्बा वैसा ही है, कुछ रंगों कुछ लकीरों में अभी सांस बाकी है, पेट कैनवस का भूखा है अभी, कुछ बुझते लम्हे में अभी आंच बाकी है, कश्मकश में है ख्याल अभी, पीड़ा जनने की अभी बाकी है। दोस्तों जब किसी आर्टिस्ट के अंदर एक विजुअल बनता है, जब तक वो धरातल पे नहीं आता है उसकी स्थिति एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह होती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कश्मकश में है ख्याल अभी, पीड़ा जनने की अभी बाकी है, कब तलक रखोगे रात में डुबोकर सवेरे को, उम्मीद का सूरज अभी बाकी है, और रोशनी कहां रुकती है अंधेरों के रोके, और रोशनी कहां रुकती है अंधेरों के रोके, लो एक दिए की ही काफी है, गमों की जांच पर सॉरी गमों की आंच पर जो रखा दर्द तो पिघल गया, गमों की आंच पर जो रखा दर्द तो पिघल गया, बस आंखों में नमी अभी बाकी है, ना रुकना अभी कहकर वक्त चलता रहे लगातार, बस मैं ही गुजर गया वक्त में अभी सांस बाकी है। दोस्तों वक्त में अभी सांस बाकी है। धन्यवाद आप सबका जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। सच में जब मैं अपने परिवार को देखता हूँ, असली परिवार तो ये है, बाकी तो हम दुनियादारी है। दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द शॉट। Thank you.
ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਦਮ ਦੀ ਬਾਜ ਸੱਜਣ ਲਜਪਾਲ ਤੇਰੇ ਖੱਟਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹਾਏ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਫਕੀਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਹਏ ਪਾ ਗਈਆਂ ਫਕੀਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪਾ ਗਈਆਂ ਫਕੀਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਨਹਾਈ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਜਿਨਕਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਤਨਹਾਈ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਤੋ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਵੀਰਾਨੇ ਕੋ ਆਬਾਦ ਤੋ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਓ ਜਬ ਚਾਹੂੰ ਤੁਝੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਚਾਹੂੰ ਤੁਝੇ ਯਾਦ ਤੋ ਕਰ ਸਕਤਾ ਸੋਚਦਾ ਕੇ ਵੋ ਕਿਤਨੇ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਕਿਆ ਸੇ
ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਸਤ ਨਜ਼ਰੋਂ ਸੇ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ ਮਾਜਾ ਵਾਲੋਂ ਸੇ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ ਮਸਤ ਨਜ਼ਰੋਂ ਸੇ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ ਮਾਜਾ ਵਾਲੋਂ ਸੇ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ ਮਸਤ ਨਜ਼ਰੋਂ ਸੇ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ ਮਾਜਾ ਵਾਲੋਂ ਸੇ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ ਲਾਖ ਚਿਹਰਾ ਅੱਛਾ ਚਾਂਦ ਜੈਸਾ ਲਾਖ ਚਿਹਰਾ ਅੱਛਾ ਚਾਂਦ ਜੈਸਾ ਉਹ ਦਿਲ ਕੇ ਕਾਨੋਂ ਸੇ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ ਲਾਖ ਚਿਹਰਾ ਅੱਛਾ ਚਾਂਦ ਜੈਸਾ ਉਹ ਦਿਲ ਕੇ ਕਾਨੋਂ ਸੇ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ ਦਿਲ ਦੇ ਮੈਰ ਮਵੇ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਜਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮੈਰ ਮਵੇ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਜਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਸ ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਸ ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਤੂੰ ਬਾ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜਾ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਜਾ ਮਾਰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਜਾ ਮਾਰਦਾ ਆ ਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਆ ਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਤੋਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਆ ਜਾ ਡੋਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾ ਲਓ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਡੋਲਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾੜੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਉਮਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ
First of all, I would like to thank my sincere thanks to our DC Saab, Brad Saab, who is also my senior in district commissioner office. Besides the ex-principals, faculty, our distinguished guests, jitne bhi aaye hain, jis zeal aur fervor ke saath humne ye plan kiya tha, alumni meet, I can sense ke usse jyada humne achieve kiya hai. Thank you everyone for coming here. और जैसा सर ने बोला अगर कोई चांस अगेन टू रिवाइव देम टू रिलीज द लाइफ